आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। मैंने समय और दूरी का पूरा कंसेप्ट, अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको सब करवा दिया है। आज के क्लास में देखेंगे जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और हर सवाल एक सवाल के ऊपर आपका 7-8 सवाल बना है, ठीक है। एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, तो सवाल को बहुत बारीकी से समझेंगे। और जो पढ़ने में कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं, मान लो एक घर से दो बस चलती है 15 मिनट के अंतराल पर, पहला पॉइंट आपको यह बोला, और जो उसका गति होता है ना वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, दूसरा पॉइंट बोला। अब सवाल में यह बोला कि विपरीत दिशा में एक महिला आ रही है, उसको वो बस पकड़ना है और वो भी 10 मिनट में पकड़ना है, तो आपको बताना है महिला को और कितनी गति चलना पड़ेगा, ये सवाल पूछा है। सवाल समझ में आ गया ना, तीन पॉइंट दिया है, बस 15 मिनट के अंतराल पर चलती है, बस का गति दे दिया गया है, महिला को 10 मिनट में बस पकड़ना है, तो महिला को कितने गति से चलना पड़ेगा ताकि वो बस वो पकड़ पाए। तीन क्लास में पूरा कंसेप्ट समझा चुके हैं, अब मेरा बात समझना, सुनना मेरा बात। मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है, और ये क्या है हमारा, ये मान लो आप सभी क्या है, ये महिला है, ठीक है। एक बात बताइए, बस का चाल क्या दिया गया है, बस का समय दिया गया है ना, समय। अब एक बात बताओ, बस कितने समय के अंतराल पर चल रही है, 15 मिनट, महिला को बस कितने मिनट में पकड़ना है, 10 मिनट। आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि चाल का अनुपात, चाल का विपरीत क्या होता है, तो समय का अनुपात होता है। समय का विपरीत क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। अगर समय दिया गया है 15:10, तो चाल क्या हो जाएगा, आप ये बताओ, नॉर्मल सा चीज है। तो आप बोलेंगे भैया जो चाल हो जाएगा ना, इसको पहले काट दो 5 से 3 और 5 से 2, तो जो चाल का भैया अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। बात बराबर, बात एकदम बेसिक तरीके से क्लियर ना। अब सुनना, चाल का बस अगर 2 है, बस का चाल अगर 2 है और महिला को 10 मिनट में पकड़ना है, तो अपना चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1। और सवाल में बोल रहा है कि बस का जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां पर अनुपात में 2 है, यानी 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब भैया 25 है और महिला को अपना चाल 1 बढ़ाना है। अगर 2 का मतलब 25 है तो 1 का मतलब क्या होगा, आप बोलिएगा 12.5 किलोमीटर। आसान है सवाल, ये सब सवाल एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, और इस सवाल के ऊपर ना जाने दर्जनों सवाल आपसे रेलवे हर साल पूछता है। बहुत सिंपल तरीके से आप सभी कर पाइएगा। अगला सवाल दिखना हमारे सामने, एक ये सवाल है, मान लीजिए सवाल में क्या बोला है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, ठीक है, 6 मिनट की देरी से। पॉइंट नोट करते रहना क्या क्या बोल रहा है, कितनी की देरी से, 6 मिनट की देरी से चल रही है। अब ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ाता है, कितना गति को बढ़ाता है, 4 किलोमीटर, दूसरा पॉइंट। ऐसे करने से ट्रेन अगले स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है और वो समय पर पहुंच जाती है। सवाल बोला है ना, एक ट्रेन है वो चलती है और 6 मिनट देरी से चलती है। अब मान लो पृथ्वी बोल रहा है ना, नहीं नहीं हमको 6 मिनट देरी से नहीं, हमको समय पर आप पहुंचाइए, तो ड्राइवर क्या करता है, गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है समय पर पहुंचाने के लिए, और दूरी 36 किलोमीटर है, तो ट्रेन की वास्तविक गति आपको ज्ञात करना है। आपको मैंने एक बात बताया था, क्या, मान लो पहले चाल कितना था, वास्तविक चाल पहले भैया एक्स था, अब क्या किया, चाल को बढ़ा दिया, कितना, 4 किलोमीटर से चाल को बढ़ा दिया, ठीक, ये बात क्लियर। अच्छा दूरी कितना है, तो दूरी दिया गया है भैया 36 किलोमीटर, ये भी बात सबको क्लियर है, ठीक है, सबको बात क्लियर, ये चीज जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और मैंने आपको एक बात बताया था, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले दूसरे क्लास में कि बाबू अगर 2 चाल हो और ट्रेन या बस या गाड़ी
देरी से पहुंच रही है, जल्दी पहुंच रही है, तो एक फॉर्मूला बताए थे क्या? तो भैया आपने बताया था दूरी बराबर पहला चाल गुना दूसरा चाल बराबर दोनों चाल का अंतर, दोनों चाल का अंतर जो होगा गुना समय जो लगेगा, समय का जो अंतर है ये आप कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो बैठा दीजिए, आपको मैंने बताया दूरी कितना है, दूरी भैया 36 किलोमीटर है, पहला चाल गुना दूसरा चाल x x प्लस 4, ठीक। दोनों चाल का अंतर कितना है, x और x प्लस 4 का अंतर तो 4 ही होगा ना, तो 4 को बैठा दो। अच्छा समय का अंतर कितना है, तो भैया समय ना 6 मिनट देरी से पहुंच रही है, मिनट में दिया गया है, घंटा के लिए नीचे 60 कर दीजिए, आराम से बन गया। अब सुनना मेरा बात, यहां पर आराम सुनना, कैसे जाएगा 1/10 बार में, 10 चौके 40, 40 इससे गुना होगा 36 गुना 40 बराबर क्या बच जाएगा x x प्लस 4, और इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं तोड़ना है, नॉर्मल सा समझो बाबू, वास्तविक चाल पूछा है और इसका अंतर 4 है और इसका अंतर भी 4 है आपको पता है, तो वास्तविक चाल कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। एकदम सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, ये मैंने आपको पहले बेसिक क्लास में बता दिया है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, मान लो अगला सवाल हमारे सामने दिया गया, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की, 96 किलोमीटर की दूरी इससे तय कर रहा है, साइकिल से तय कर रहा है, यदि वो प्रति घंटे 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाए, सुनना, अगर अब क्या कर रहा है, चाल को 4 किलोमीटर घटा दे रहा है, तो उसे उस स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, तो किलोमीटर घंटे में वह गति क्या है जिस पर किशन साइकिल से चलाएगा, वास्तविक गति। तो मान लो आपका चाल पहले कितना था, मान लो पहले चाल x था, अब चाल क्या कर दिया भाई, तो अब भैया घटा दिया कितना से, x माइनस 4, और दूरी दिया ही गया है, दूरी कितना है आपका 96 किलोमीटर, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है, तो फॉर्मूला पता है, उसके बाद बैठा दीजिए, 2 घंटे देरी से पहुंच रहा है तो बैठा दीजिए, क्या होता है, मैंने बार बार बताया है, दूरी बराबर पहला चाल गुना दूसरा चाल बराबर दोनों चाल का अंतर, ठीक है, गुना समय, इस पर बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब आप क्या करिएगा, दूरी कितना है, दूरी भैया 96 किलोमीटर है, पहला चाल गुना दूसरा चाल और दोनों चाल का अंतर कितना है, 4 ही तो है, और समय घंटा में दिया है तो घंटा कर दीजिए, ठीक। अब ये 2 से 4 जाएगा 2 बार में, अब देखना 96 × 2 है, और आपको पता है ये x प्लस माइनस 4 है ना, ये माइनस 4 है, ये माइनस 4 है, ठीक है। अब सुनो 96 को कैसे तोड़े, 16 × 96 16 × 96 और ये x x माइनस 4। अब सुनना मेरा बात आप सभी, ये 16 × 6 × 12 नहीं हो जाएगा, और ये x x माइनस 4 नहीं हो जाएगा, और आपको पता है इसका अंतर 4 इसका अंतर भी 4, तो वास्तविक गति क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही कंसेप्ट पर हर एक सवाल आपका जो है वो बैठ रहा है, कुछ नहीं है सवाल में। अगला सवाल हमारे सामने, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये क्या आ गया, अब इसको भी देखिए आप सभी। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अच्छा 40 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक, इसमें क्या कर रहा है, पहले कंडीशन में 16 किलोमीटर की दूरी ना भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रहा है, दूरी बटा चाल समय, और बोल रहा है बचा हुआ दूरी ना टांगा से तय कर रहा है, टांगा का चाल कितना है नहीं पता है, दूरी कितना बच गया 24 किलोमीटर, टांगे की चाल पती नहीं है, पता नहीं है, एक्स मान लो, यहां पर आप सभी ना जितने लोग भी देख रहे हैं, टांगा
मान लो यहां पर टांगे की जो चाल है वो x किलोमीटर है, ये मानकर चलिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन में बोला है। दूसरे कंडीशन में क्या बोला आप सभी से? दूसरे कंडीशन में बोला है यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी टांगे से तय करे, यानी इसमें से 16 किलोमीटर की दूरी अगर टांगे से तय करे और बचा हुआ दूरी साइकिल से तय करे, बचा हुआ दूरी कितना है? तो भैया 24 को 4 से अगर तय करे तो भैया उसे 1 घंटा का अधिक समय लगता है, यह सवाल में बोला है। तो टांगे की चाल ज्ञात करना है, आसान सवाल है, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको पता है। अब अगर मान लो, अगर इसको पहले काट दो ये 6 हो जाएगा, ठीक, इसको काट दो ये 4 हो जाएगा। अगर मान लो इस चाल से, इससे अगर दूरी तय करता 16/x + 6 से, अगर इससे वो दूरी तय करता, ठीक, माइनस कितना, 4 - 24/x हो जाएगा ना, इससे तय करता, अगर इससे तय करता इसके मुकाबले में, तो 1 घंटा का अधिक समय उसको लगता। ये नॉर्मल सवाल बोला है, ये भी 40 किलोमीटर का ही दूरी तय कर रहा है पहले कंडीशन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन में बोला 40 किलोमीटर का दूरी ऐसे तय करना है, अगर इससे तय करता इसके मुकाबले में तो 1 घंटा का अधिक समय लगता। टांगे की चाल पूछिए, x का मान निकालना है, निकल जाएगा 6 से 4 जाएगा 2 बार में, अब 2 उधर जाएगा तो 1 से -2 हो जाएगा, इधर क्या बच गया, 16/x - 24/x ये बच गया, और बराबर में तो दिया गया है आपका ये बचा है 1 - 2। सॉल्व कर दीजिए, x को एलसीएम ले लीजिए, ये 16, ये 24, ये बराबर -1 हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, उधर कर देते हैं -x हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, माइनस से माइनस गया, x का मान क्या आ गया? आप बोलेंगे भैया x का मान आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वही सवाल है, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, अगर ध्यान से देखिएगा कुछ नहीं करना है सवाल में। अगला सवाल देखो हमारे सामने, एक ये सवाल रहा, इसको भी आप लोग बहुत बारीकी से बहुत आराम से कर सकते हो। बोला है 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है, ठीक है, 3 सेकंड से कौन हराता है, ए, यानी ए का जो चाल है वो ज्यादा है बी से, तभी तो ए हरा पा रहा है, ठीक है, दोनों को 200 मीटर ही दौड़ना है। अब बोला यदि ए बी की गति में 15 मीटर प्रति सेकंड का अंतर हो तो ए की गति ज्ञात करिए, कितना आसान सवाल है, किसी को दिक्कत? अब मानकर चलो ए की गति ज्ञात करनी है, ए का चाल मान लीजिए आप सभी, ए का चाल मान लो एक्स है, तो बी का चाल कितना होगा, बी का चाल कितना होगा, आप खुद सोचो। अगर बाबू ए का चाल अगर एक्स मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी मानकर चलिए, तो बी का चाल कितना होगा, एक्स माइनस 1.5 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यहां पर तो बोला है यदि ए बी की गति में 1.5 मीटर का अंतर हो, तो ए का अगर इतना है तो बी का इतना होगा, सिंपल सा सवाल है, और सवाल में तो कुछ है नहीं, 2 चाल दिया गया है, समय का अंतर दे दिया गया है आपका 3 सेकंड का, दूरी पता है, आंसर निकल जाएगा भैया, कुछ कुछ है, आप बताओ। एक ही फॉर्मूला पर हर एक सवाल आप सभी का बन रहा है, बैठा दीजिए, बता ही चुका हूं आप सभी को कि दूरी कितना है, तो दूरी 200 मीटर है बाबू, और आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, पहला चाल गुना दूसरा चाल बराबर दोनों चाल का अंतर गुना समय का अंतर, बैठा दीजिए, अब तो सवाल आराम से निकल गया। पहला चाल कितना है x, दूसरा चाल x - 1.5, और ये 200 मीटर है बाबू, और इनकी चाल का अंतर कितना है, 1.5 का अंतर है, आराम से बनेगा, और समय कितना है 3, हो गया 1.5 से 3 जाएगा 2 बार में, और 2 से 200 जाएगा 100 बार में, यानी फाइनली हमारा ये चीज बैठ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना
तो सवाल बहुत आराम से आप सभी का निकल जाएगा। हल्का सा दिमाग लगाइएगा, आप सोचो 100 बराबर इतना बोल रहा है। ऑप्शन पे जाते हैं, अगर x का मान 10.5 रख दें, मान लो 10.5 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 × 10.5 100 नहीं पहुंचेगा, यानी जो डाटा हमें लेना है 10.5 से अधिक लेना है, और 10.5 से अधिक सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको एक एक सवाल बाबू क्लियर होना चाहिए, तब सवाल क्लियर होगा। अगला सवाल देखो हमारे सामने, अब एक सवाल ये वाला है, इसको भी बहुत बारीकी से करेंगे, सवाल पानी की तरह बन जाएगा। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दिशा एक है, जब दिशा एक हो तो गति घटता है, सापेक्ष चाल मैंने आपको बताया है, अगर दिशा एक हो तो गति घटता है। अब देखो, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करते जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर की गति से पैदल चल रहा है। अच्छा, मतलब गाड़ी की गति हमें पता नहीं है, तो मान लो गाड़ी की गति x है, और बाबू उस आदमी का गति तो दिया गया है 3 किलोमीटर। क्लियर है ना? तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, x-3, एक ही दिशा में है, ये बात सभी को क्लियर, एक ही दिशा में है तो गति जो है वो आपका घट जाएगा। उसके बाद तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया है भाई। एक व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी दिया गया है, कितने मिनट में पार करता है, तो 4 मिनट में पार करता है, मीटर में दिया गया है, आंसर किलोमीटर में है, तो 100 मीटर को बाबू 1000 से कर लीजिए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब क्या करना है, ये चाल है, ये बाबू नॉर्मल समझना, ये 3 है, ये 12, ये क्या है, चाल है, तो यहां पर भी चाल चाहिए, दूरी बटा समय चाल होता है, दूरी 100, किलोमीटर के लिए 1000 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नीचे समय कितना है, 4 मिनट, तो 4 को 60 से करेंगे। अब ऐसे मत करिए, डायरेक्ट ऐसे करिए, 60 को ऊपर और यहां 4 कर दीजिए, हो गया, 4 से ये गया 25 बार में, क्लियर, 25 से ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में। उसके बाद ये 0-0 कटा, 4 2 से कटा, 3 2 से कटा 2, उसके बाद क्या बचा, x-3 3/2, सॉल्व कर दीजिए, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 + 3 हो जाएगा। आराम से x का मान निकल गया ना, गाड़ी का मान, तो 3 × 6 = 9, यानी x बराबर 9/2, और 9/2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल है। 4.5 किलोमीटर घंटा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 9/2 दिया है ना, यही चीज बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए। सभी को क्लियर, आई थिंक सभी को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए हमारा, ये सवाल अब इसको भी बहुत प्यार से आप सभी को समझना है, बहुत आसान सवाल है। बोला है, एक चोर एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से अपने मोटरसाइकिल से चलता है, कौन चल रहा है, तो चोर चल रहा है। 4 घंटे के बाद एक पुलिस वाला जीप से उसका पीछा करता है, यानी चोर चलना स्टार्ट कर दिया है, 4 घंटे के बाद पुलिस चलना स्टार्ट करता है उसको पकड़ने के लिए, तो 4 घंटा तक चोर तो पहले चल दिया है, और 4 घंटे के बाद पुलिस चलना स्टार्ट करता है। यदि पुलिस वाले की जीप औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की मोटरसाइकिल को 4 किलोमीटर, अच्छा आसान सवाल है, यह सवाल भी अच्छा है। देखो, चोर चलना स्टार्ट किया, पुलिस 4 घंटा बाद चलना स्टार्ट किया, 4 घंटा बाद, यानी जो चोर है वो 4 किलोमीटर पहले चल दिया 4 घंटा, अब 4 घंटा बाद पुलिस पकड़ रहा है, यानी 4 घंटा चल भी लिया, पुलिस चलना स्टार्ट किया, फिर 4 घंटा बाद पकड़ रहा है, तो चोर पूरे कितने घंटा चला होगा, 4 घंटा पहले स्टार्टिंग में, और पुलिस को पकड़ने में 4 घंटा का और समय लगा, यानी चोर पूरा 8 घंटा चला होगा। बात क्लियर है कि नहीं है,
ये बात क्लियर है कि नहीं है? चोर पूरा भैया 8 किलोमीटर चला होगा, ठीक, बात क्लियर? अब सुनना मेरा बात, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपको बताना है चोर की मोटरसाइकिल की 4 किलोमीटर घंटा। अच्छा, चार, चोर पूरा कितना चाल चला और कितना दूरी चला? तो चोर का ना भैया सिर्फ समय पता है, चाल नहीं पता है। अरे चाली तो बताना है, और चाल गुना समय दूरी होता है। मान लो चोर चला x किलोमीटर की गति से 8 घंटा, और वही दूरी पुलिस भी चलेगा, वही दूरी, उतने दूर में जाकर पकड़ना है ना। पुलिस क्या कर रहा है बाबू, पुलिस जो है ना वो 4 घंटे में पकड़ लेता है, और पुलिस वाला का गति कितना है, 40 किलोमीटर। यानी पुलिस वाला का चाल भी पता है और समय भी पता है, तो वही 40 × 4 ये 160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, नीचे 8 जाएगा, 8 × 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 20। यानी चोर की चाल कितनी है बाबू, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर ना, आसान सवाल है ना, सिर्फ समझना है, कंसेप्ट क्लियर है, हर सवाल बनेगा आप सभी से। अब एक सवाल ये वाला देखो, बहुत बारीकी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कम से कम एक बार आप लोग भी ट्राई करो बाबू, अगर सवाल को करना है सही तरीके से तो, वरना फिर तो बात ही खत्म हो जाएगा ना। अब सुनना, मार्क को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर की गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन, इन दोनों के माध्यम का उपयोग कर 4.5 घंटा में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन बोल रहा है ना, 260 किलोमीटर का दूरी तय किया 4.5 घंटा में, और ये दूरी ना या तो रेलगाड़ी से या बस से तय करना था। अब किससे कितना दूरी तय किया ये नहीं पता है, सवाल में बोला है कि ना रेलगाड़ी का गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस का तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना है उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करिए। कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे, जबकि सवाल में सब कुछ बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है जो समय आपको सवाल में ना बताए, सब बता दिया है। अब सुनना, टोटल दूरी तय कितना करना है, आपको पता है भैया दूरी बराबर ना समय गुना चाल होता है, ये सबको पता है भैया, बहुत बढ़िया। दूरी कितना तय करना है, 260 किलोमीटर भैया, ठीक है। अच्छा, बस का समय पता करना है ना, मान लो बस को जो समय लगा बाबू वो टी समय लगा मानकर चलो, अगर बस को इतना समय लगा होगा तो रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा, कुल समय 4.5 घंटा, इसमें से टी घंटा बस ले लिया तो रेलगाड़ी कितना लेगा? तो आप बोलिएगा भैया आराम है भैया, रेलगाड़ी भैया 4.5 - t लेगा, यानी इसमें से बस वाला घंटा निकाल दीजिए वो रेलगाड़ी का होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, पूरा दूरी तो पता है ना, पूरा दूरी पता है और दोनों का चाल भी पता है, और समय गुना चाल दूरी होता है। अच्छा, बस का अगर t समय लगा है, बस को अगर t समय लगा है और बस का चाल कितना है 48 किलोमीटर घंटा, और चाल इंटू समय दूरी होता है, तो बस कितना दूरी चला होगा, 48 × t चला होगा बस, चला होगा कि नहीं चला होगा, बिल्कुल चला होगा भैया, और ये पूरा दूरी तय करना है बस और रेलगाड़ी से, प्लस इतना दूरी बस तय किया, रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया भैया 70, चाल गुना समय, समय कितना लिया है, तो समय लिया है भैया 4.5 - t, ये भी दूरी ये भी दूरी, ये बस तय किया ये रेलगाड़ी तय किया, इतना दूरी दोनों मिलाकर। अब बाबू टी का मतलब निकालना है, टी का मान निकाल दीजिए, ये 48 t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 70 × 4.5 = 280, आधा कर दीजिए 35 = 315, ये हो जाएगा -70 t हो जाएगा, हो गया सवाल ना, 315 इधर आएगा तो 260 से घटेगा, घटेगा तो कितना होगा 55 किलोमीटर, यही होगा ना 40, और ये कितना होगा माइनस में होगा,
ये कितना होगा आपका 22 किलोमीटर, 22 टी। अब आराम से निकल जाएगा, अब तो सवाल में कुछ बचा नहीं है। 22 दूनी 44 और 22 का आधा 11, यानी अढ़ाई घंटे का समय लगेगा। कितना? 2 घंटे 30 मिनट। अढ़ाई घंटे का मतलब 2 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। कुछ है सवाल में आप बताओ। ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन रेलवे में आप सभी से पूछ रहा है, आप बताओ इसका आंसर। अब ये सवाल देखो, सवाल को थोड़ा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, सवाल आराम से बनेगा। राइमा पैदल 7 किलोमीटर घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है और कुछ दूरी साइकिल तय करती है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऐसा करने से ना 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, यह आपको बताना है। कितना आसान सवाल है, अब सुनना मेरा बात। मान लो ये पैदल है, कितना आसान सवाल है, और ये मान लो किससे कर रही है, साइकिल से कर रही है। ठीक है, सबको क्लियर? मान लो साइकिल से जो समय लगा बाबू, जो साइकिल से समय लगा वो मान लो एक्स लगा, समय बताना है ना, साइकिल से उसे कितना घंटा लगा, साइकिल से मान लो एक्स घंटा लगा, अब पैदल साइकिल से लगा वाई घंटा समय लगा। ठीक है, अच्छा पूरा समय कितना लगा, तो पूरा समय तो भैया 7 घंटा लगा है, यानी बाबू एक्स प्लस वाई बराबर 7 घंटा समय लगा भैया। अच्छा एक बात बताओ, पूरा दूरी तय कितना की, तो पूरा दूरी तय की है भैया 64 किलोमीटर। अब पूरा दूरी निकाल लेंगे, हाँ भैया दूरी पूरा पता है 64 है, और दूरी कैसे निकलता है भैया, समय गुना चाल। समय पता है पैदल का और चाल भी पता है, तो मान लो पैदल चली होगी 7x दूरी, साइकिल से कितना दूरी चली होगी, समय पता है चाल पता है, समय गुना चाल दूरी, तो साइकिल से चली होगी वो 12y। क्लियर ना? अब निकाल दीजिए, अब क्या है सवाल में, आपको y का मान बताना है, y का मान बताना है 7x 12y, x प्लस वाई, और 7 को काटना है तो ऊपर वाले को 7 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल देखो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 7y बराबर 49, 7 कट गया, ये होगा आपका 5y, और ये हो जाएगा 15, और y का मान हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्या है x, y क्या है, y आपका समय है ना, यानी 3 घंटा। 3 घंटा कहां है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल रेलवे पूछ रहा है, घटना चक्र हो, युद्ध हो, आप कोई भी किताब खोल लेना बाबू, कंसेप्ट क्लियर है, सवाल आराम से बनेगा। वही सवाल आ गया। अब एक सवाल देखिए, ये सवाल में बहुत लोग फंसेंगे, लेकिन कंसेप्ट अगर तगड़ा है ना तो 10-10 सेकंड में सवाल बनता है। सवाल बोला है, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आपको बताने का तो पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं बाबू, 3/4 चाल, यानी कितना मुंह जवानी आंसर हो गया। चाल अगर 3/4 है, यानी नॉर्मल समझो बाबू, चाल अगर पहले 4 था तो अब कितना है, 3 है, और चाल का उल्टा समय होता है, और समय क्या हो जाएगा, समय 3 और चाल 4, और समय 3 पहले लगता था, अब कितना लगता है समय, 4, यानी समय कितना अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है भैया, 1, और 1 अधिक समय लगने की वजह से वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 1 को 15 बोल रहा है, तो 3 को क्या बोलेगा, यानी पहले समय लगता था भैया 45 मिनट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। जितना भी सवाल है बाबू, घटना चक्र हो, युद्ध हो, मैं हर एक टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी सब चैप्टर पूरा करवा देंगे ना, तो दोबारा से रिवीजन भी करवाएंगे आप सभी को, एक लाइक कर दीजिए, लेकिन सीखिएगा सारे सवाल आप सभी, ठीक है।